यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है हम तैयार कर रहे हैं और पुलाव अंडा पुलाव जो है वो तैयार कर रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट टाइप के जो है टेस्ट इसका होगा और इन मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर ज़रूर इसको तैयार करेंगे सबसे पहले हमने ऑयल लेना है और तीन से चार टेबल स्पून ऑयल ले लें और इसके साथ एक बड़ी प्याज़ हमने जो लच्छेदार कटी हुई होती है वो हमने ऐड कर देना और इसको हमने जो है हल्का सा ब्राउन कर लेना है तो ब्राउन करने के बाद इसमें से थोड़ी सी प्याज इसी में रहने देंगे और बाकी जो प्याज़ है वो हमने निकाल लेना ताकि आखिर में हम इसे पुलाव के साथ जब मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसके साथ साथ आप नमक एक चुटकी अगर बॉयल्ड अंडे में आपने नमक लगाया और इसे आपने थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया तो उससे क्या होता है अंडे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ये टेक्निक आप जब भी कोई पुलाव बनाते हैं या कोई अंडे का सालन बनाते हैं ना तो उसको अगर आप फ्राई करके डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है रंगीन अंडा पुलाव अंडे बनाने के लिए अंडे छः से आठ अदद रेड फूड काला हंस पे जरूरत ब्राउन फूड काला हंस पे जरूरत ग्रीन फूड काला हस पे जरूरत पुलाव के लिए अज्जा सेला चावल आधा किलो अदरक लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच यखनी एक लीटर दही एक कप तेज पत्ता तीन अदद प्याज तीन अदद छोटी इलायची आठ अदद काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच हरी मिर्चे छह से आठ अदद घी आधा कप नमक हंस पे जायका अंडे तैयार करने का तरीका पानी गर्म कर लें और इसमें अंडों को बॉईल कर लें अंडे बॉईल हो जाएं तो छिलके उतार कर अलग अलग कलर को पानी में डालकर इसमें अंडे डालकर छोड़ दें। जब कलर अच्छी तरह से अंडों पर लग जाए तो निकाल कर एक तरफ रख दें। भगार बनाने का तरीका अब एक पतीली में आधा कप घी शामिल करें और प्याज डालकर ब्राउन कर लें आधी प्याज निकाल कर टिश्यू पेपर पर फैला दें और आधी पतीली में रहने दें फिर इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके भून लें अब इसमें काली मिर्च छोटी इलायची तेज पात और हरी मिर्च शामिल करें और दो से तीन मिनट भून लें अब इसमें दही फेंटा हुआ शामिल करें दही भुन जाए और घी अलग हो जाए तो यखनी शामिल कर लें जैसे ही यखनी में उबाल आ जाए तो चावलों को शामिल करें और ढक्कन ढाम कर पकाए जब चावलों का पानी खुश्क होने लगे तो बाकी बचे हुए ब्राउन प्याज और अंडे शामिल करके दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें प्याज हमने ब्राउन कर ली और उसको हमने निकाल लिया प्याज को और थोड़ा सी प्याज इसमें रहने भी दी ठीक है इसके साथ हमने जो है पात जो है वो ऐड कर दिया हमने और इसके साथ अदरक लहसन का पेस्ट एक खाने का चम्मच अब मैं चूल्हे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को इसलिए मैं चूल्हे से हटा चुका था दोबारा से मैंने इसको चूल्हे के करीब कर दिया है और इसमें मैंने शामिल कर देना है दही एक कप अच्छा मसाले में इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा जैसे कि बहुत सारे लोग मुख्त किस्म के मसाले इस्तेमाल करते हैं पुलाव में लेकिन मैंने बहुत ही लाइट रखा हुआ है इसके अंदर सिर्फ़ काली मिर्च कुटी हुई कुटी हुई होनी चाहिए पिसी भी नहीं ठीक है एक चाय का चम्मच और छोटी वाली इलायची ये चार से पाँच अदद ठीक है कुटी हुई ये हमने ऐड कर दी और इसके साथ हरी मिर्चें साबुत वाली ठीक है ये हमने इसमें पाँच छः ये हमारा मसाला है सिंपल ठीक है और नमक हजब ज़रूरत नमक जो हम ऐड करेंगे वो आ, राइस के से मिलाकर यानी कि राइस के मुताबिक इसमें भी ग्रेवी में भी चले जाए और राइस में भी जो है ना नमक ऐड हो जाए उसके साथ जो है इसका मसाला फाइनली तैयार हो गया और अब मैं इसमें अंडे ऐड करने जा रहा हूँ ठीक है और ये मैंने इसमें अंडे डाल दिए ठीक है और इसके बाद ये जो पतीला है इसके अंदर मैंने ये सारा अमेजा ऐड कर देना है और इसका जो राइस है इसका पानी हटा दिया हमने और ये मसाला जो है ये हमने इसमें डाल दिया पुलाव का और इसमें हमने राइस ऐड कर दिया और यहाँ मेरे पास है यखनी ठीक है चिकन की यखनी ये मैं ऐड कर दूँगा और ये पकने के लिए चला जाएगा आखिर में हमने जो ब्राउन प्याज बचाई हुई है ये ऊपर से गार्निश करेंगे और कलर रंगीन अंडा पुलाव इसलिए कि दो तीन कलर इसके अंदर इस्तेमाल होंगे अब हमने इसको चढ़ा दिया पकने के लिए और जैसे ये दम पर लगना शुरू हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइस फूल जाएंगे तैयार हो जाएंगे और इसको हम डम्पर लगाने लगेंगे तो हमारे पास तीन कलर हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे अब मैं कैरेट सूप जो है तैयार करने जा रहा हूँ कैरेट सूप बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो गाजर है उसको छील लिया छीलने के बाद बॉयल करके और उसका पेस्ट बना लिया मैंने आधा किलो गाजर ली थी और उसको साफ़ करके और उसके बाद उसको बॉयल किया बॉयल करने के बाद उसका पेस्ट बना लिया यहाँ मेरे पास चिकन मौजूद है चिकन हमने जो है छोटे साइज़ में बाइट में काटा हुआ है ताकि चिकन जो है वो ज़्यादा बड़े साइज़ में ना हो तो सूप के हिसाब से हमने तैयार करना है तो इसमें हमने प्याज ले ली एक छोटी प्याज़ जो हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना है सिर्फ सॉफ़्ट करना है ठीक है जैसे प्याज सॉफ़्ट होने लग जाएगी ना उसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू कर देना है आ, इसके अंदर मैं इस, इस्तेमाल कर रहा हूँ गार्लिक तो ये हमने इसमें डाल देना है लहसुन और प्याज़ दोनों को हमने फ्राई कर लिया और सॉफ्ट कर लिया मैंने कहा ब्राउन श्राउन नहीं करना ना लाइट ला ला ब्राउन करना है ना डार्क ब्राउन करना है सिर्फ़ हल्का सा सॉफ़्ट कर लेना है उसके बाद फिर हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ ये हमने ऐड कर दिया ठीक है अब इसमें मसाला मसाला कुछ भी नहीं है सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई है एक चाय का चम्मच और दालचीनी का पाउडर आधा चाय का चम्मच ठीक है और नमक हजब ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे ये पेस्ट हम हाँ शामिल कर रहे हैं इसमें आ, गाजर का ठीक है और थोड़ी सी इसमें हमने यखनी भी शामिल कर दी और साथ में आखिर में थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें जो है ना शामिल करूँगा क्रीम ठीक है थोड़ी सी देर इसको पकने देते हैं अंडा पुलाव जो है वो तैयार हो रहा है अभी राइस जैसे ऊपर आ जाएंगे इसके खुश हो जाएगा तो उसमें हमने कलर शामिल कर देना तीन कस्म के कलर ठीक है ये देखें अभी थोड़ी देर में ये राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर कल लें कलर को ना ऐसे करके जैसे ये येलो कलर इधर डाल दिया आपने ग्रीन कलर थोड़ा सा साइड में डाल दिया ठीक है और रेड कलर ये भी इस साइड भी डाल दिया ठीक है तीन कलर हमने इसमें शामिल कर दिए और अब मैंने इसको दम पर लगा दिया कैरेट चिकन सूप अज्जा गाजर बॉयल तीन से चार अदद चिकन बॉयल दो सौ ग्राम चिकन क्यूब दो अदद काली मिर्च कुटी हुई एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच प्याज चॉप्ट एक अदद क्रीम आधा कप डार चीनी पाउडर एक चुटकी तेल दो से तीन खाने के चमचे नमक हंसबे का। तरकीब सब सबसे पहले गाजरों को ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लें और एक साइड आरोप रख दे अब एक पतीली में ऑयल डालें और प्याज डालकर दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लें फिर इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करके दो से तीन मिनट के लिए फ्राई कर लें अब इसमें पहले से तैयार गाजर का पेस्ट शामिल करें और एक कप पानी शामिल कर लें और पाँच मिनट के लिए पकाएं। जब सूप बॉईल होने लगे तो इसमें चिकन बारीक चॉप करके शामिल कर लें अब इसमें नमक काली मिर्च दार पाउडर और क्यूब्स शामिल करें एक कप पानी डालें और पाँच मिनट तक पकाए डिश आउट कर लें अब ऊपर से क्रीम से गार्निशिंग करें और सर्व करें कैरेट चिकन सूप तैयार है बहुत ही मजेदार रेसिपी तैयार हो चुकी हैं। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी जब तक के लिए इजाजत